अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो बिल्किस के जहां में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फाइनली फ्रेंड्स लो अभी हमारा घर पूरा सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हस्बैंड साहब भी ऑटो पे चले गए, तो चलिए उनके लिए भी दुआ करिए और मैं आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ। तो अभी जस्ट मेरी नमाज़ हो गई, आप सब जो जो लोग हमारे लिए दुआ करेंगे और सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही बनी रही हमारे ब्लॉग में। तो अभी अनम को थोड़ा फीवर आया है, वो कल पानी में थोड़ा खेल रही थी तो इसलिए, तो अभी मैं उसको खाना दे रही हूँ अब दूँगी। तो बाबा भी उड़ गया है, तो हस्बैंड साहब तो अभी नहीं आएंगे दोपहर में खाने को, वो डायरेक्ट शाम में ही आएंगे। तो फ्रेंड्स एक बात बताने का था आपको, जिसको भी हमारे ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे हैं वो अनसब्सक्राइब करके हमें जा सकते हैं। मैं क्या आपको ज़बरदस्ती कर रही नहीं, हमारा ब्लॉग आप देखो करके, मैं बोल रही ना आपको मेरा वीडियो देखो करके, जिसको नहीं अच्छा लगता वो आप जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, बस घर का, घर में तो हम लोग खुश है, अच्छा ही है। बस थोड़ा वो छत जो कराता हूँ बोले थे माला का, एडवांस लेने से पहले ही बोले थे कराता हूँ करके, अब एडवांस लेने के बाद बोल रहे नहीं कराते हम लोग, वैसे ही रोलो करके। तो अभी ये घर में जितने दिन हो सकता है रहते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे बस हो गया, अभी इधर उधर भटक भटक के बस हो गया, पता नहीं आगे बढ़ रहे नहीं क्या नहीं कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ, हुबली तो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इतने बड़े हज़रत सैयद फ़तेह शाह अली बाबा है हुबली में, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती यहाँ पे, हर इंसान खुश रहता है। मगर मैं सोच रही हूँ कि हम जिस तरह भटक रहे हैं, हमें लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इंशाल्लाह इसके बाद बस आप लोग दुआ करिए मेरा चैनल जल्द से जल्द आगे बढ़े और थोड़ा है मोनेटाइज हो जाएगा। तो बस जो भी हमारे पीछे बोलते हैं वो मत बोलिए, अल्लाह के वास्ते मैं बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ मैं बहुत खुश हूँ। बस अल्लाह ताला उनको हर वो चीज़ से नवाजें जो वो डिज़र्व करते हैं। तो जो भी उनकी परेशानी है सब दूर हो, और आप लोगों की भी जो भी परेशानी है वो दूर हो। जो भी मेरे बारे में लोग सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, वो उनके ऊपर, मगर मेरे शोहर के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस इसी में अल्लाह ताला इसी में प्यार मोहब्बत बरकरार रखता है, गरीबी हो या अमीरी जो भी है, हमारा रूटीन हम दिखाते हैं। बस आप लोगों को लगता है आप गरीब दिखा रहे, गरीब है करके दिखा रहे हैं, वो है ये है, ऐसा कुछ भी मत समझा आप लोग। जो भी हमारे ज़िंदगी में होता है, जो भी हमारा फ्यूचर है, हम वही दिखाते हैं। लगा बुझा के दिखाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। नहीं रहो को भी हमारे पास आस्ती है, हमारे घर है, हमारा वो है, हमारा ये है, मुझे पसंद नहीं है सब। तो बस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह है मेरे शोहर ने लिए है, इंशाल्लाह वो भी बेचूंगी मैं, अगर वो हो पाए तो बेच के हम लोग कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाएंगे दूसरे गांव में। मुझे तो यहाँ पे रहने का ही नहीं है अब, माशाल्लाह हमारा गांव तो बहुत अच्छा है, दूसरे लोग आके रहते हैं हुबली में, मगर मैं सोच रही हूँ दूसरा गाँव में हम लोग जाके शिफ्ट हो जाएंगे करके। तो बस आप लोग दुआ करें मेरा चैनल जल्द से जल्द आगे चल जाए करके। वैसे तो अभी मोनेटाइज होने को भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोगों की दुआओं की वजह से। तो मेरी बातों से आप लोगों को किसी भी तकलीफ हुई तो मुझे माफ़ करिए, मैं कुछ सब लोग को नहीं बोल रही। जो भी हमारे बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, सॉरी मेरे शोहर जी के बारे में जो भी बुरा सोचते हैं, अल्लाह ताला हम जिस तरह गरीबी हम सोच रहे हैं, हमारे साथ जो भी बीत रहा है वो किसी के साथ ना हो। क्या हम लोग खाना खाने की जगह पर मट्टी तो नहीं खा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह खाना ही खा रहे हैं। अल्लाह देने का अल्लाह देने वाला है, जहाँ से भी खिलाता। तो बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा, अच्छा करेगा। तो जो लोग हमारे ऊपर बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो हमारा वीडियो मत देखे, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो चलिए अभी अनम मंग रही है खाना, उसको अभी खाना दूँगी मैं। तो भी नमाज़ तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा भी उड़ गया है तो बाबा को भी खिलाती हूँ। अभी हस्बैंड सा शोहर सॉरी हस्बैंड सा बोल बोल के आदत हो गई, तो सब लोग कमेंट कर रहे थे हस्बैंड साहब नहीं शोहर जी बुलाओ आपके ज़बान से अच्छा लगता है करके। तो शोहर जी तो ऑटो पे चले गए, तो अभी वो आएंगे 4 या 4:30 बजे आमीन को लेके, आमीन भी स्कूल चला गया, तो आने के बाद खाना खाएंगे वो, खा के फिर चले जाएंगे। तो वो आते नहीं क्योंकि वो ऑटो पे जाएंगे तो फिर वो घर पे रहते ही नहीं, ज़्यादातर ऑटो में ही ध्यान देते हैं वो, अब बस उनका राबना और भाड़ा वो ये वही करते हैं। बस मैं उनके साथ खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसे हस्बैंड मिले, ऐसे शोहर जी मिले। तो बस चलिए अभी मैं उसको खाना देती हूँ। तो अभी देखिए अनम का खाना हो गया, तो गई है दुकान को वहाँ पे लास्ट, तो वहाँ पे गई है अनम दुकान को। तो मैं यहाँ पे ठहरी हूँ, ऐसा अकेले भेजने को डर लग रहा था तो इसलिए यहाँ पे ठहरी हूँ मैं। अभी वो अंदर यहाँ पे आ जाएगी तो मैं अंदर चली जाऊँगी, यहीं पर पास में दिख रहा दुकान तो इसलिए भेजी हूँ उसे। बाबा देखिए यहाँ पे गोद में क्या ले गई, ऊपर भी लाली पाप लाइए, पैसे पैसे। चलो अनम को थोड़ा फीवर आया, आँख में पानी आ रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अभी बाबा बैठ रहा था, तो अभी रेंग रहा भी है वो, तो वो भी दिखाऊंगी आपको माशाल्लाह से। तो अनम को यहाँ पे मैं सुला रही हूँ।
फ्रेंड्स देखिए अभी बाबा यहाँ पे खेल रहे हैं और हस्बैंड साहब आ गए और चूहे देखिए यहाँ पे क्या हालत करे, हमारा जो कुकर का रबल होता है वो सब फाड़ के कट कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड साहब, अस्सलाम वालेकुम, बिल्किस की जान आपको स्वागत है फ्रेंड। आइए खाना खाएंगे, हालत तो बहुत ख़राब हो रही है, डबल ट्रिपल खर्चा लगा है, फिर तो देखते हैं घर चेंज करना बोल रहे मेरा, उनका डिसीजन क्या है देखिए। तो यहाँ पे देखिए अभी सब्जी लाए हैं, तरकारी पूरी, और ये है बाबा के लिए और अनम के लिए, नहीं ना। तो फ्रेंड्स अभी देखिए बाबा उठ गया, वो सो गया था, तो उनके पापा भी चले गए, नहीं पापा चले गए, पापा छोड़ के चले गए उसको, तो रो रहा था तो इसलिए उसको सुलाई थी मैं। तो अभी आमीन भी होमवर्क कर रहा है। तो हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो अभी सब तो सेट हो चुका है, बस थोड़ा वो मालक ने का हमारे प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो काम करा के दे तुम बोले थे वो नहीं करा रहे, अभी देखते हैं हस्बैंड साहब क्या अभी क्या करते हैं, क्या नहीं क्या सोचते हैं, उसके ऊपर देखेंगे अभी इंशाल्लाह, मैं आपको बताती रहूँगी। अभी तो मैं जा रही हूँ अंदर पकाने के लिए, तो चलिए अभी मैं रात का डिनर बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, आराम से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मुझे वक्त ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का, तो हमारा डिनर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अनम को दवाई पिलाए, अनम दवा पिए अच्छी थी यहाँ पे देखो बोलो अच्छी। तो इसको फीवर आया था तो इसलिए उसको उनके पापा दवा पिलाए हैं, और यहाँ पे मच्छर बत्ती लगाए हैं, और यहाँ पे देखिए इसके कान में दवा भी भाए है, ठंडी की वजह से दुख रहा है उसको, तो इसलिए यहाँ पे रुई भी रखी है इसके कान में, फिर सुबह उठ के काटेंगे हम लोग। तो बच्चे बेबी तो सो गया हमारा बाबा, तो मच्छर बत्ती तो नहीं लगाना चाहिए छोटे बच्चों को, अच्छा नहीं इसकी धुआँ जो आती है, तो अलर्ट की मशीन आती है वो लेना सोचे, मगर अभी फ़िलहाल के लिए मंगा के रखे हैं, तो इसलिए एकदम नीचे रखे हैं हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी हस्बैंड साहब गए हैं वहाँ पे दवाई रखने के लिए, तो पूरा घर सेट तो हो चुका है, बस सर्दी की वजह से आप सब लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इतना ज़्यादा ये कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए बच्चे वहाँ पर सो गए हैं दवा पिए के, और वो दवा कान में उसको डाले है, बाबा भी सो गया, तो अभी ये भी यहाँ पे आ गए। तो क्या बोल रहे हैं बोलो, क्या बोल रहे हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो, और बहुत प्यार दे रहे हैं माशाल्लाह, हमारे खुद के तो ऐसा बोलते नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात अच्छा बोल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि घर चेंज करना बोल के, क्योंकि आज तो मुहर्रम की 7वीं है, कल तो 8वीं है, परसों शायद 9वीं है, तो बाजार के दिन मुहर्रम योम शहादत होगी, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में देख के घर चेंज करता हूँ, तो क्योंकि मालक ने को बोले हैं हम आज वो छत का करके दे दूँ करके बोले थे पहला, अभी बोल रहे हैं नहीं करूँगी, रहना है तो रो लो या तो छोड़ दो करके खुला बोले वो ने जी। तो मैं ये तो चूहे भी बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था चूहे है वो है करको, घूस वगैरह सब लगे से देखे नहीं घर, अंधेरा भी था, देखे थे घर, ये पानी का तो हमें पता है छत पानी गिर रहा सो, मगर ये चूहे का घूस वगैरह ऐसा ये सब हमें मालूम नहीं था ना, और दीवारों में भी सर्दी पकड़ी है ये सब, हम बोले उनको तो वो बोले तुम पहला ही देख के पकड़ना था हूँ ऐसा, और लाइट का कुछ भी यहाँ पे वायर वगैरह सही नहीं था, ये भी झूठ बोले ये सब बोल के दिए ही नहीं हमें घर, मैं उसको इन्वेस्टमेंट किया 500 रुपए वायर गिर लेगा के होल्डर वगैरह लेगा के, और उसमें सबसे पहली बात तो हमारा नेट भी इसमें नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आने के लिए आपको आना बोल के डेली है, क्योंकि हमारा वॉच टाइम भी कम्प्लीट होने के आया है, तो इसलिए हम लोग लाइव नहीं आ रहे, नेटवर्क आ रहा नहीं, आपकी बात भी सही नहीं हो रही है, किसके का फोन आया तो भी बात नहीं हो रही है सही से। तो आप हमारे नाजू दीदी भी बहुत बोले बोलते हैं घर 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 अम्मू को, तो वहीं बोल रहा हूँ देख को रहते रहते घर देख लो अच्छे से, बच्चे छोटे हैं चूहे वगैरह काटते हैं बच्चों को करके, वो भी बोले, और फिर 2-3 सब्सक्राइबर हमारे वो भी बोले बहुत अच्छा लगा, और 1-2-3 कमेंट भी आए थे मुझे हमारे घर की तरफ आना चाहते हैं तो आप लोग आ जाइए, यहाँ पे भी सस्ते भाड़े की भी है और देखने में घर भी अच्छे और घट इसके है करके बोले सीमेंट के, तो देखते हैं अभी हम लोग ही ढूंढ लेते हैं, ये ढूंढतूं करके बोल रहे हैं, तो मेरा नहीं है क्योंकि हम देखने के बाद बहुत सारे घर तो माशाल्लाह अच्छा है, घर को कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, बस ये सर्दी पकड़ रही है, और पानी का तो हमें पहले से ही पता था क्योंकि दीवार वगैरह पूरे कच्चे हैं, कच्चे हो गए, और आप सब लोग बोल रहे हैं सर्दी के घर में बच्चे को अच्छा नहीं, पहले ही वो तालीब को क्लाइमेट उसको एनर्जी है वो, और इसको पाए, सर्दी पाए पे नहीं घर नीचे जमीन पे में जैसा था वैसा पाया कुछ भी नहीं, वो भी हम लोग पकड़ते भी नहीं थे, हमें घर मिल रहे नहीं थे तो फ्रेंड्स इसलिए हम लोग ये पकड़े, उनकी भी अभी शादी है, वो जो घर छोड़ गया है हम 1 तारीख को, तो वो प्रॉब्लम से हम घर छोड़े तो इसलिए, और वैसे तो वो पाप बोले थे हमें ऊपर होना तो शर्ट भा को भी दे तू बोले, पाप बहुत अच्छे थे वो तो मालक हमारे, ये भी अच्छे है मगर कुछ करके दे तू नहीं करके बोल रहे हैं, तो इसलिए हमें छोड़ना पड़ रहा है, देखते हैं अभी अच्छा से देखेंगे, 8 दिन का टाइम हुआ तो बोता नहीं की ढूंढ को पकड़ेंगे, अभी इंशाल्लाह ऑटो है हाथों में, हाथ में
पहले तो ऑटो नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, हम कुछ गरीबी वो ये नहीं दिखा रहे हैं, तो बस इनका ऑटो नहीं था तो खाना पीना बहुत मुश्किल होता, तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा था। ऑटो चंद रहा लोग तो बोल रहे बहुत अच्छा हैं, खाते हैं हम लोग, चंद बहुत लोग अच्छे बोल रहे रहते हैं हैं, बहुत गरीबी दिखा रहे, वो दिखा रहे बोल के कमेंट भी कर रहे हैं। तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। तो बस आप लोगों बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हमें कमेंट भी कर रहे हैं, ये घर छोड़ो दूसरा देखो, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा देखने को करके बहुत बोल रहे हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से भी हम छोड़ रहे हैं, और बेबी का भी ख्याल रखो, बेबी को तो एनर्जी है क्लाइमेट की वजह से करके, आप ही बोले थे, फिर आप ही ऐसा सर्दी वाला घर क्यों पकड़े करके हमें ही बोल रहे हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह आप सब लोगों की दुआ होगी तो मैं फिर, वैसे तो हम लोग घर ढूंढ लेंगे, मगर आप लोग भी दुआ करिए जल्द से जल्द मिल जाए घर करके, हो कि नहीं जी? इंशाल्लाह मैं एक ही दिन में काटूंगा घर ये तो अब देख ऑटो है इनके हाथ में, वो तो के। एक ही दिन में ढूंढ कर काटेंगे वो। आप लोग दुआ कीजिए हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं दुआ करते। इंशाल्लाह। तो अब लाइव आने का तो हमारा होएगा नहीं यहाँ पे घर पे, तो क्योंकि यहाँ पे इंशाल्लाह नेटवर्क ही नहीं आ रहा और सर्वर भी नहीं आ रहा, तो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं पता नहीं हो रहा हमें तो। नहीं तो यही अपडेट देने का था आपको। तो अगर हमारा आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो आज कीजिए। वॉच मैं बोल रही थी ये इनके ऑटो के बारे में, पहले तो ऐसा वैसा हम लोग दिखाए, थोड़ा मुश्किल वगैरह जो भी हमारे साथ होता था हम लोग वही दिखाते थे, कुछ हमारा गरीबी वो ही हम नहीं दिखा रहे हैं, जो भी हमारे घर में होता है हम वही रूटीन दिखाते हैं, आप कुछ गलत मत समझिए। तो चलिए इंशाल्लाह अब इसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे ही वीडियो बनाएंगे, और हस्बैंड साहब को तो ऑटो मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रेसिपी के भी व्लॉग आएंगे, और माशाल्लाह अब कहाँ भी बाहर भी जाएंगे तो भी आएंगे हमारे अच्छे अच्छे आएंगे। तो बस अब ये घर का जो मामला है पहले इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे रेसिपी अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे। मेरा इरादा था कि मुहर्रम शरीफ का क्यों होता है हुबली में, कैसा कैसा मनाते हैं मुहर्रम दिखाने का था। तो इंशाल्लाह घर के प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह देखता हूँ 2-3 दिन में तो शहादत है। तो इंशाल्लाह मौला ली वहाँ पे, और अटल बादशाह बोल के है वहाँ वहाँ पे जाएंगे। जाके आपको दिखाते हैं हम लोग, छोटा सा ही ब्लॉग होंगे। आप लोग हमारे चैनल पे खास करके बने रहिए, और इंशाल्लाह आपका तो सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह है दिल से, मैं बहुत दिल आप से लोग को शुक्रिया जितना भी बोलता हूँ उतना कम है। करना, तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।